नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 8 का पाठ पहला पत्र एवं डायरी का पार्ट 3 समझेंगे। हमने पहले बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र, आश्वासन पत्र आदि पत्र देखे कि वह पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना यानी विनती। हमें अगर कोई काम किसी से करवाना है या किसी की ज़रूरत है तो हम उसे विनती करते हैं, उसे कहते हैं प्रार्थना पत्र। अब हम आगे देखें तो छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। प्रधान यानी कि मुख्य, अध्यापक यानी कि टीचर शिक्षक, प्रधान अध्यापक यानी कि आचार्य प्रिंसिपल। देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आपने देखा कि पहले उसने एड्रेस लिखा है और बाद में आचार्य महोदय को संबोधन किया है। अब हम आगे देखें तो आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, यानी कि मैं शाला नहीं आ पाऊँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, अवकाश यानी कि छुट्टी। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा, कृतज्ञ यानी कि आभारी। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। क्रमांक 25, क्रमांक यानी कि रोल नंबर, वर्ग 8 अ। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। इसके साथ उसने पिताजी की चिट्ठी भी भेजी हुई है, जिसमें पिताजी ने भी विनती की है कि आप मेरे पुत्र को छुट्टी दीजिएगा। अब हम छठवां पत्र देखें तो कार्यालय पत्र। कार्यालय यानी कि ऑफिस। अगर हमें कोई ऑफिस का काम है तो वहाँ पत्र कैसे लिखा जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। अगर आपके घर के पास बहुत गंदगी हो गई है और कोई सफाई करने नहीं आता तो आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, मान्यवर यानी कि मुरब्बी, वो बड़े हैं इसलिए हम उसे मान्यवर कहेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यहाँ ऐसा हाल हो गया है कि आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई, माँ परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। तो मित्रों, आपने देखा कि किसी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है। अगर आपके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, गंदगी फैली हुई है या कोई और शिकायत है तो आप ऐसे पत्र लिखकर भेज सकते हैं। तीसरा पत्र है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक यानी कि हमारा कोई बिजनेस का काम है तो उसे कहते हैं व्यावसायिक पत्र। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और आपको किसी को कुछ कहना है तो पत्र के माध्यम से कह सकते हैं। पुस्तकें भेजने के लिए
पुस्तक विक्रेता को पत्र। आपको अगर पुस्तक मंगवानी है तो आप उस पुस्तक वाले महोदय से पत्र लिख सकते हैं। तारीख 10 जुलाई 2011, सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानंद पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। डाक से यानी कि जिसे हम कहते हैं पोस्ट। पहला पुस्तक है नन्हा कोश, जिसके लेखक है श्री रतिलाल नायक। आपको पुस्तक की नाम लिखनी है, सामने उसके लेखक का नाम भी लिखना है, क्योंकि तभी पुस्तक विक्रेता को पता चलेगा कि आपको कौन सी पुस्तक चाहिए। दूसरी पुस्तक है नालंदा विशाल शब्द सागर, उसके लेखक है श्री नवल जी। तीसरा पुस्तक है बृहद हिंदी शब्दकोश, जिसके लेखक है डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथी पुस्तक है साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP से भेजे। महोदय, प्रीतिशा शांति भवन MG रोड राजकोट, और पिन कोड नंबर डाला है 360001। तो अगर आपको कुछ वस्तु मंगवानी है तो आप ऐसे पत्र लिख सकते हैं। हाँ, उसमें आपको जो भी चीज़ मंगवानी है वह और उसके सामने उसका लेखक, पुस्तकें मंगवानी हो तो लेखक का नाम, कोई वस्तु मंगवानी है तो विस्तार से लिखनी चाहिए जानकारी, तभी उसको पता चलेगा कि आप कौन सी वस्तु लेना चाहते हैं। तो यहाँ हमने पत्र लिखे, तो अलग अलग पत्र कैसे लिखे जाते हैं यह हमने देखा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको होमवर्क में, गूगल क्लासरूम में ये सभी पत्र ग्रामर बुक में लिखना है। थैंक यू।